हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिएंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग हेडमास्टर एग्जाम जो होने वाला है बीपीएससी वाला, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे आविष्कार और आविष्कारक। मैं आपको बता दूं कि जो खास करके साइंस का है, आज मैं भौतिकी विषय से संबंधित कुछ आविष्कार आविष्कारक के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और यहाँ से प्रश्न आता ही है। अभी अभी आप बीपीएससी CDPO और 67वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस को आप देखे होंगे, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न रहता ही है। तो बीपीएससी के द्वारा ही आयोजित की जा रही है प्रधान शिक्षक की परीक्षा और प्रधान अध्यापक की परीक्षा, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न लड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, गति विषयक नियम किसने दिया था। आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि गति विषयक नियम जो है ये किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिया था। आप इसको याद रखिएगा, गति विषयक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के सभी नियम को आप एक साथ याद रख लीजिए, तो ये देखिएगा, गति विषयक नियम न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम ये भी न्यूटन, प्रकाश का कणिका सिद्धांत ये भी न्यूटन दिया था, और शीतलन का नियम जो है ये भी न्यूटन। यानी न्यूटन जो है ये चार प्रकार के नियम को प्रतिपादित किया था, चार सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, गति विषयक नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रकाश का कणिका सिद्धांत और शीतलन का नियम, ये सभी के सभी किसने, न्यूटन ने दिया था। उसके बाद देखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो सापेक्षता का सिद्धांत ये आइंस्टीन ने दिया था। फोटोन के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया, आइंस्टीन ने ही बताया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये जितना भी मैं बता रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लवन का नियम यानी उत्प्लावन का नियम भी इसको हम लोग कर सकते हैं, ये है आपका आर्किमिडीज ने दिया था। दाब का नियम किसने दिया था, तो पास्कल ने दिया था। मेसर किरण के बारे में किसने बताया, तो गॉर्डन, गीगर एवं टाउन्स ने बताया था। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में यदि बात की जाए, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल ने दिया था। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया था, तो राइट आंसर है ओम ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया, तो विद्युत आकर्षण का नियम कुलॉम ने दिया था। विद्युत आकर्षण का नियम कुलॉम ने दिया था। विद्युत ऊष्मा प्रभाव का नियम किसने दिया, तो जूल ने दिया। उसके बाद धारा विद्युत के बारे में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने सबसे पहले बताया था, यानी कि धारा विद्युत के बारे में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बताया था। विद्युत बैटरी के बारे में किसने बताया, सबसे पहले वोल्टा ने बताया। विद्युत आवेश के बारे में किसने बताया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। विद्युतीय तरंग के बारे में किसने बताया, तो हेनरिक हर्ट्ज ने बताया था। दोस्तों याद रखिएगा, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, डायोड बल्ब के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में पूछता है, ये सर जे ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। ट्रायोड बल्ब के बारे में सबसे पहले लीड फॉरेस्ट ने दिया था, याद रखिएगा। प्रेरक कुंडली के बारे में किसने बताया, रोम कॉर्फ ने बताया। स्थिर विद्युत के बारे में किसने बताया, थेल्स ने बताया। रेडियो सक्रिय किरण के बारे में रदरफोर्ड ने बताया। प्रकाश का अपवर्तन नियम किसने दिया, स्नेल ने दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइजीन ने दिया था। दोस्तों इसको भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। प्रकाश का ध्रुवीकरण भी ब्रीवेस्टर ने दिया था। प्रकाश का ध्रुवीकरण से संबंधित नियम किसने दिया, ब्रीवेस्टर ने दिया था, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, ये प्रकाश का, प्रकाश की द्रवों में चाल ये फोकाल्ट ने सबसे पहले बताया। प्रकाश तरंग का विवर्तन ग्रेमाल्डी। उसके बाद देखिएगा, प्रकाश यंत्रों की नेत्रिका रैम्सडन और हाइजीन ने बताया था। प्रकाश ग्रहण करने का सिद्धांत ये स्नेल ने दिया था। प्रकाश की गति फीजो ने। उसके बाद देखिए, लेसर किरण का खोज TH मैमन ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद परम विद्युत मापी प्रणाली, परम विद्युत मापी प्रणाली के बारे में सबसे पहले किसने बताया, गॉस ने बताया था। ताप का अविनाशीता का सिद्धांत किसने दिया था, जूल ने दिया था। किरचॉफ का नियम किसने दिया, किरचॉफ ने दिया था। लॉगरिथम ये जॉन नेपियर ने दिया था। लॉगरिथम के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दिया, जॉन नेपियर ने।
उसके बाद अति चालकता, इसको सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको कैम्बरली ऑन्स याद रखिएगा, कैम्बरली ऑन्स ने ये अति चालकता के बारे में बताया था। न्यूट्रिनो के बारे में सबसे पहले किसने बताया, पावली ने बताया। मैं आपको फिर से एक बार कर दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए आप इसको बेहतरीन ढंग से उतार लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, एक से दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा न्यूट्रिनो के बारे में किसने बताया, पावली ने बताया था सबसे पहले। उसके बाद क्वांटन प्रभाव, क्वांटन प्रभाव के बारे में कॉप्टन ने बताया था। उसके बाद सेल्सियस पैमाना के बारे में सेल्सियस ने बताया, फॉरेनहाइट पैमाना के बारे में फॉरेनहाइट ने बताया। बहुत ही आसान है, इसके पैमाने के नाम पर यानी कि आविष्कारक के नाम पर ही पैमाना का नाम रख दिया गया है। आधुनिक एक्स किरण नली ये कुलिज ने बनाया सबसे पहले। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक ये जूल होगा। उसके बाद देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन के बारे में सबसे पहले ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने बताया। परमाणु विखंडन के बारे में देखिएगा फर्मी ने बताया, एनरिको फर्मी। उसके बाद विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया था। एक्स किरण के बारे में डब्ल्यू सी रॉन्टजन होगा राइट आंसर। उसके बाद बेतार का तार जो है ये आपका मार्कोनी होगा। तो यानी कि देखिएगा यहाँ पर बहुत ही कम दिया हुआ है, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टि से आपको पता होगा कि ये एक्सरे के बारे में भी अभी हाल ही में सीडीपीओ के एग्जाम में भी पूछा गया। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा, इस बात को आप टाल नहीं सकते, ठीक है। तो आप इसको जो भी आप यहाँ दिया गया है, इस वीडियो को एक से दो बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आप तक पहुँचाने का भरसक प्रयास करूँगा। धन्यवाद।